पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर नंबर 1 थाना क्षेत्र में बीती रात एक 4 वर्षीय बालिका अचानक गायब हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने गुमशुदा बच्ची की तलाश शुरू कर दी। बच्ची के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तलाशे गए। वहीं पुलिस की 2 टीमों ने आज आसपास के बस स्टैंड व रेलवे स्टैंड के लिए रवाना की गई। इसी बीच पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग मिला कि बच्ची एक अधेड़ के साथ इंदौर जाने वाली बस में बैठती नजर आई। पुलिस की टीम द्वारा इंदौर रेलवे स्टेशन पर सर्चिंग की गई। रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी खंगाले गए। पुलिस को गोवर्धन प्रजापति के साथ बच्ची भोपाल की ट्रेन में बैठती हुई नजर आई। पुलिस द्वारा तुरंत भोपाल रेलवे पुलिस को बच्ची व अधेड़ का हुलिया सहित जानकारी भेजी गई। पुलिस में रेलवे पुलिस द्वारा रात करीब 3 बजे अधेड़ के साथ बच्ची को बरामद कर लिया गया। पीथमपुर पुलिस द्वारा रात करीब 4 बजे भोपाल से बच्ची को बरामद कर आरोपी गोवर्धन प्रजापति उम्र 48 वर्ष को हिरासत में लिया गया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बताइए सर, एक 4 साल की बच्ची घर से लापता हो गई थी, क्या है पूरा मामला? कल रात में करीब 10 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि मनमानी कॉलोनी में रहने वाली एक 4 वर्ष की बच्ची शाम 4 बजे से अपने घर से लापता है। सूचना पर तुरंत ही मनमानी कॉलोनी पर पहुंच करके जानकारी ली गई तो उस बच्ची के 7 वर्षीय भाई ने बताया कि बच्ची आखिरी समय में उनके घर के पास में रहने वाले एक व्यक्ति गोवर्धन प्रजापति के साथ देखी गई थी। गोवर्धन प्रजापति की जानकारी ली गई तो गोवर्धन प्रजापति अपने घर पर नहीं थे, ताला लगा हुआ था। इसी आधार को संदेह मानकर हमने काम शुरू किए और जानकारी जुटाई तो ये पता चला कि गोवर्धन प्रजापति को आयशर चौराहे तरफ जाते हुए देखा गया है। और मकान मालिक ने भी बताया कि संभावना है कि वह अपने गांव खुरई सागर गया हो। इसी आधार पर हमने जानकारी जुटाई और इस संभावना पर कि वह व्यक्ति इंदौर से ट्रेन में गया होगा तो संभावित ट्रेन के समय के आधार पर जांच की गई और जीआरपी भोपाल के रेलवे स्टेशन पे उस समय तैनात जो भी अधिकारी थे रात्रि में, हमने उनसे संपर्क किया, उनको बच्ची का फोटो और हुलिया उनके साथ शेयर किया और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत से वहाँ पर जब रेलवे स्टेशन पे चेकिंग की तो बच्ची गोवर्धन प्रजापति के साथ बरामद होगी। हमारी टीम भी हमने तुरंत ही रवाना कर दी थी। कुछ समय बाद ही टीम भोपाल पहुंची और हमने उस बच्ची को सिर्फ सूचना के 4 घंटे के अंदर उसको हमने रिकवर कर लिया। हाँ सर, जो प्रजापति इस बालिका को लेकर गए हैं उसके खिलाफ किस प्रकार जो है कार्रवाई हुई है? सूचना पर 363 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया था और बच्ची की बरामदगी के बाद हमने उसमें पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई है, आरोपी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपका नाम बता? मैं तारेश कुमार सोनी, थाना प्रभारी सेक्टर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।